हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवानी मिश्रा। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिज़ाइनपुर में। तो आज मैं आपको बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। मैंने ब्लाउज की लेंथ देखी, 15 इंच रखी है। 3 इंच की यहाँ से चौड़ाई देते हुए हम मार्किंग कर लेते हैं। अब नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई देते हुए हम मार्किंग कर देते हैं। तो मैंने दोनों साइड से मार्क कर दिया कि स्ट्रेट लाइन से हम बराबर कर देते हैं जो मैंने मार्किंग की है। तो मैंने देखिए बराबर लाइनिंग बना दिया है। 10.5 इंच पे हम मार्क करेंगे, गले की लेंथ ले रहे हैं। अब यहाँ से मैंने बराबर कर दिया है। अब गले का जो मुझे डिज़ाइन बनाना, देखिए थोड़ा सा वी शेप में है, यू और वी दोनों मिक्सअप है। तो मैंने मार्किंग की है, अब इसको हम कट कर दिया है। तो मेरा गला कट चुका है। ब्लाउज का कपड़ा लेंगे, बिल्कुल बराबर कर देंगे ब्लाउज के कपड़े को गले के साथ में। अब इसको हम कट कर लेते हैं गले को भी। तो मैंने देखिए अच्छे तरीके से पूरे गले को कट कर दिया है। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर कर लीजिएगा, इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो चलिए मैं गले की स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। तो एक सिलाई लगा के पूरे गले को हम स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए मेरा गला स्टिच हो चुका है, पूरा सिलाई लगा के मैंने स्टिच कर दिया है। अब कट्स लगा लेंगे बीच में। अब इसको हम उलट कर सीधा कर देते हैं। मेरा सीधा हो चुका है। अब इस पर एक सिलाई लगा के फिर से गले को स्टिच कर देते हैं। ये गला देखिए बिल्कुल कम्प्लीटली स्टिचिंग हो चुकी है। ब्लाउज की ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए अच्छे तरीके से पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग कर लेंगे। ये देख लीजिए मैंने कम्प्लीटली पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग कर दिया है। अब मुझे डिज़ाइन बनाना है, तो मैं गले पे चलिए डिज़ाइन बना के दिखाती हूँ। तो इसको एक साइड करेंगे और ये मैंने पट्टी ली है, इसकी साइज़ मैंने 2 इंच रखी हुई है। चलिए मैं इसको डबल फोल्ड करके स्टिच कर देती हूँ पूरा। तो डबल फोल्ड करके एक साइड से चलिए हम स्टिच कर लेंगे पूरा पट्टी को। तो मैंने पट्टी स्टिच कर लिया है, देख लीजिए। अब इसको हम उलट कर सीधा करेंगे। चलिए मैं सीधा कर लेती हूँ इसको। ये देख लीजिए मैंने पट्टी को सीधी कर दिया है कम्प्लीटली पूरा। ये मेरी पट्टी सीधी हो चुकी है। अब हम इसको कट करेंगे डिज़ाइन बनाने के लिए। तो उससे पहले हम इसके दोनों साइड से सिलाई लगा के कहीं स्टिचिंग करेंगे। तो मैं कैसे देखिए दोनों साइड से सिलाई लगा के स्टिच कर रही हूँ, आपको वीडियो में बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। एक साइड से मेरी सिलाई देखिए कम्प्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरे साइड से भी इसके इस पर सिलाई लगा देंगे। तो मैंने दोनों साइड से कम्प्लीटली सिलाई लगा लिया है पूरे पट्टी पे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे डिज़ाइन बनाने के लिए। तो मैं 1.5 इंच की लंबाई पे इसको कट करूँगी। 1.5 इंच की लंबाई में जितने पार्ट्स आ सके उतने पार्ट्स हम इसको फोल्ड कर लेते हैं पूरा। तो मैंने कम्प्लीटली पूरा फोल्ड कर दिया। अब इसको हम कट कर देंगे अलग अलग पार्ट्स में। तो दोनों साइड से हम अच्छे तरीके से इसको कट कर लेते हैं पूरा। तो मेरा ये देखिए पूरा पट्टी कट चुकी है। अब इससे हम डिज़ाइन करेंगे। तो इसको एक साइड करते हैं और ये मैंने ब्लाउज का कपड़ा ले लिया है। अब इसके एक साइड से हमें डिज़ाइन करना है, तो हम मार्क कर देते हैं जिससे हमें पता चलता रहे। तो यहाँ से हमें ट्रक्स लगाना था, तो इसलिए मैंने मार्क कर दिया है। अब इसी तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे। तो हमारा जो डिज़ाइन का एक साइड का पार्ट ट्रक्स में ही जाएगा। तो मैंने पूरा मार्किंग कर दी है। चलिए मैं इसको डिज़ाइन को बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पट्टी लिया, इसको मैंने डबल फोल्ड किया और जिस साइड से ओपन था उस साइड पे हम सिलाई लगा के स्टिच करेंगे रख कर ब्लाउज पे। तो वीडियो में आप देखते रहिए मैं कैसे बना रही हूँ, आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी डिज़ाइन कैसी लगी।
ये देख लीजिए, मैंने कम्प्लीटली पूरा डिज़ाइन को अच्छे तरीके से स्टिच कर दिया है। अब यहाँ से जो है हम कट कर दिया, अब यहाँ से हमें डिज़ाइन को आगे बताते हैं आपको कैसे बनाया जाएगा। ये देख लीजिए, अब चलिए यहाँ से हमें लैस लगाना है तो मैंने लैस ले लिया है। अब किस तरीके से यहाँ से हम लैस को ऐड करेंगे आप वीडियो में देखते रहिए। तो पहले हम गले की जो सिंपल साइड है इस साइड से हम लैस को लगा के अच्छे तरीके से स्टिच कर लेते हैं। तो आप वीडियो में देखते रहिए, आपको समझ में आ जाए कैसे मैं लैस को लगा रही हूँ ब्लाउज के गले पे। तो ये देख लीजिए, मैंने लैस अच्छे तरीके से पूरा लगा दिया है गले पे। अब दूसरे साइड से भी हम लैस को लगाएंगे। तो देखिए, मैं दूसरे साइड से भी लैस अच्छे तरीके से लगा देती हूँ पूरा गले पे। तो मैंने दोनों साइड से देखिए कम्प्लीटली पूरा लैस स्टिच करके गले पे लगा दिया है। अब नीचे के साइड से हम ट्रक्स लगा लेंगे और जो मेरा देखिए लैस का पार्ट्स दिख रहा था वो हमारे ट्रक्स में चला जाएगा इस तरीके से। तो देखिए, मैंने इस साइड से ट्रक्स लगा दिया है। ये देख लीजिए, मेरा डिज़ाइन का पार्ट स्टिच हो चुका है। दूसरे साइड से भी हम ट्रक्स लगा देते हैं। अच्छे से बराबर करते हैं, दूसरे साइड से भी ट्रक्स लगा लीजिएगा। ये देखिए, मेरा ट्रक्स लग चुका है दोनों साइड से। अब नीचे के साइड से हम जो है इस पर पट्टी लगा के इसको डबल फोल्ड स्टिच करेंगे। तो कैसे नीचे के साइड से स्टिच किया जाएगा आप वीडियो में बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। पट्टी को अच्छे तरीके से हम स्टिच कर लेते हैं पहले नीचे के साइड से। मैंने देखिए पट्टी पूरा स्टिच कर दिया है। अब एक सिलाई लगा के हम जो है इसको अच्छे से फिक्स स्टिचिंग कर लेंगे। तो पूरा स्टिचिंग हो चुकी है, अब डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से भी हम एक सिलाई लगा के ब्लाउज के साथ में इसको अटैच करके स्टिच कर देते हैं। ये देखिए, मैंने कम्प्लीटली पूरा नीचे के साइड्स इसको कम्प्लीट बना दिया है। और मैं ये डिज़ाइन अब आपको आगे दिखाती हूँ। तो मैंने ये डोरी ली है जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी डोरी। इस डोरी को पहले हम जितने कज बनाए हैं उसके बीच में हम डाल के इसको निकाल लेते हैं, साइड कर लेते हैं पहले पूरा निकाल के। देख लीजिए, इस साइड से हमारा ये डोरी आ चुका है। अब इसका मैं डिज़ाइन कैसे कर रही हूँ आप वीडियो में देख लीजिए। थोड़ा थोड़ा सा हम इसको बाहर के साइड डोरी को निकाल रहे हैं, हमारा कच के बीच में जो जगह थी उसी बीच में। देखिए, मैं थोड़ी थोड़ी डोरी को बढ़ा के रख रही हूँ। इसी तरीके से आप भी डोरियों को थोड़ा थोड़ा बढ़ा लीजिएगा यहाँ से। ये देख लीजिए, मैंने पूरा डोरियों को अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा बढ़ा लिया है। अब यहाँ से हम कट कर देंगे डोरी को। अब जो हमारा डोरी दिख रहा है इसको हम कच के अंदर अच्छे से डाल के फिर सिलाई लगा के पूरा अच्छे से लॉक कर देंगे उसको। अब यहाँ से हम मोती लगाएंगे। तो मैं कैसे मोती लगा रही हूँ आप वीडियो में देख लीजिए। तो अब मैं गोल्डन कलर की बड़ी वाली मोती यूज कर रही हूँ। अब भी बड़ी वाली मोती लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा दिखेगा डिज़ाइन। अब यहाँ से हम बड़ी वाली मोती को डोरी के ऊपर से हम लगा देंगे अच्छे से। ये देख लीजिए, मैं कैसे मोती लगा रही हूँ, आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा आप वीडियो में देखते रहेंगे बिना स्किप किए। ये देखिए, मैं मोतियों को कम्प्लीटली कैसे लगा रही हूँ। आप इसी तरीके से पूरे डिज़ाइन पे लगा लीजिएगा जैसे मैंने आपको इतना दिखाया हुआ है। तो मैंने कम्प्लीटली पूरे डिज़ाइन पे मोती लगा दिया है। मेरे ब्लाउज डिज़ाइन बिल्कुल कम्प्लीट है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपने मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी मेरी कोई न्यू डिज़ाइन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।